हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नेक्स्ट स्टडी। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ऑब्जेक्टिव सीरीज फॉर जे सिविल। हम फ्लूड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सेंटर ऑफ बुयंसी ऑलवेज, ऑप्शंस दिए गए हमें, कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोइंसाइड्स विद द सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, रिमेन्स अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और रिमेन्स बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बुयंसी क्या है, तब हम इस क्वेश्चन का पता लगा पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड आइदर होली और पार्शियली, या पूरी डूबी हो या आधी, तो वो ऊपर को उठती है और लिफ्टेड अप बाय अ फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो ये किसके बराबर होती है, जितना फ्लूड डिस्प्लेस किया होता है इस बॉडी ने, और द फोर्स जो है पासिस थ्रू द सी जी ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूड नोन एट सेंटर ऑफ बुयंसी, सेंटर ऑफ बुयंसी। तो इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोइंसाइड्स विद द सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, If the weight of a body immersed in a fluid exceeds the buoyant force, then the body will. तो इसके लिए हम फ्लोटेशन के कंसेप्ट को समझेंगे। उसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, जब वेट ऑफ ए बॉडी ग्रेटर देन बैंड फोर्स होगा तब क्या होगा, जब वेट ऑफ ए बॉडी इक्वल टू बॉयंट फोर्स होगा तो क्या होगा, और जब वेट ऑफ ए बॉडी इमर्स्ड इज लेस देन बॉयंट फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले वाले केस में आप याद रखेंगे कि सिंक होगा जब वेट ऑफ ए बॉडी इमर्स्ड ग्रेटर देन बॉयंट फोर्स होगा। इस केस में रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम और इस केस में फ्लोट होगा। तो अब ये कौन सा केस है, इसमें बॉडी इमर्स्ड इन ए फ्लूइड एक्सीड्स द बॉयंट फोर्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंक वाला, टेंड टू मूव डाउनवर्ड एंड इट मे फाइनली सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटासेंट्रिक हाइट फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ हील इज द डिस्टेंस बिटवीन द। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं मेटासेंट्रिक हाइट। तो ये पॉइंट हमारा मेटा सेंटर होगा, दिस विल बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड दिस विल बी सेंटर ऑफ बुयंसी। तो मेटा सेंट्रिक हाइट जो होती है हमारी, वो होती है जी एम के बराबर, विच इज इक्वल टू बी एम माइनस बी जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मेटासेंट्रिक हाइट जो होगी वो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके मेटासेंटर, देख जी एम के बराबर, जी एम यहां से यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लोटिंग बॉडी इज सेट टू बी इन ए स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो मैं इसका आपको एक मेथड दिखाता हूं। सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम याद रखेंगे, स्टेबल के लिए एम जो होता है वो जी से ऊपर होता है, विच इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और अनस्टेबल के लिए एम लेस देन जी होगा अनस्टेबल के केस में, और न्यूट्रल के केस में एम कोइंसाइड्स विद जी होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, व्हेन द मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ये ऑप्शन, इसीलिए इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी डिक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस कंफर्ट फॉर पैसेंजर और डिक्रीजेस कंफर्ट फॉर पैसेंजर।
तो मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज करने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, मगर साथ ही साथ ड्यूरेशन ऑफ ऑसिलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिक्रीज इन कंफर्ट फॉर पैसेंजर होता है। तो इसमें 4 और 1 सही है, तो इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक 2 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर डीप फ्लोट्स इन वाटर, द डेप्थ ऑफ इमर्शन बिंग 0.5 मीटर। इफ वाटर वेज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, देन द वेट ऑफ द ब्लॉक इज। तो इसकी डायग्राम अगर हम बना लें तो इसकी जो इमर्शन है वो पानी के नीचे सिर्फ 0.5 मीटर की है, तो वेट ऑफ अ ब्लॉक देखो हमने यहाँ पे निकालो, इस डेंसिटी की जगह आप यूनिट वेट लिख दें तो ज़्यादा करेक्ट होगा। वॉल्यूम हम इमर्स फ्लूड की निकाल सकते हैं 0.5 × 1 मीटर विड्थ एंड 2 मीटर लॉन्ग, और मल्टीप्लाई बाय 10 हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका यूनिट वेट 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 किलो न्यूटन। इसी सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट इज नोन एज रिजल्टेंट प्रेशर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इसका सही ऑप्शन रहेगा सेंटर ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 28, इफ ए वेसल कंटेनिंग लिक्विड मूव्स डाउनवर्ड विद अ कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन इक्वल टू जी, देन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो फॉर्मूले बताता हूँ। अगर फ्लूड रेस्ट पे है तो इसकी प्रेशर की वैल्यू ये रहेगी रो जी एच के बराबर, और अगर वो डाउनवर्ड मूव करता है तो रो जी एच इंटू ब्रैकेट में 1 - a/g, सिमिलरली प्लस हो जाएगा अगर वो अपवर्ड जाता है। तो ये जो केस है ये डाउनवर्ड का है, और सिंस ए इक्वल टू जी गिवन है तो इसमें जब ए और जी को बराबर करेंगे तो 1 - 1 = 0, तो प्रेशर 0 आ जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही हो जाएगा। तो प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड मास इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन अ लिक्विड रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस एज अ रिजिड बॉडी द प्रेशर इंटेंसिटी वेरीज। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, फॉर रिजिड बॉडी वॉर्टेक्स मोशन स्लैश फ्लो के केस में प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के स्क्वेयर के बराबर होता है, तो इस केस में ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, एन ओपन क्यूबिकल टैंक ऑफ 2 मीटर साइड इज फिल्ड विद वाटर, इफ द टैंक इज रोटेटेड विद एन एक्सेलरेशन सच दैट हाफ ऑफ द वाटर स्पिल्स आउट, देन द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, और ये याद रखेंगे वेन हाफ वाटर स्पिल्स आउट तो उस केस में थीटा हम 45 डिग्री लेंगे और फुल के लिए हम थीटा 90 डिग्री लेंगे। तो जब थीटा 45 डिग्री हो जाएगा टैन 45 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू जी, सो इसका राइट आंसर इज पार्ट डी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।